भागलपुर नगर निगम से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली भागलपुर नगर निगम से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए पुनः नगर निगम में समाप्त हुई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य था किस तरह शहर साफ सुथरा रखे, इसको लेकर भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त नितिन नवीन ने कहा कि इस जागरूकता रैली के जरिए आम आवाम को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से अपने अपने घरों के कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। आगे उन्होंने यह भी कहा कि हमारे शहर के नगर निगम का अन्य शहरों के जैसा साफ सफाई के मामले में नंबर वन रैंक रहे। आज की जागरूकता रैली में भागलपुर नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सभी विभागीय कर्मचारी, नगर निगम के वार्ड पार्षद शामिल थे। ये स्वच्छ सर्वेक्षण और एक आम रूप में जो शहर की साफ सफाई है उसको लेकर के रैली निकाली गई है। हम लोग एक बृहद पैमाने पर भी एक हम लोग जन आंदोलन के रूप में इसको निकालेंगे और कई तरह के काम उसमें कराए जाएंगे। जीविका दीदियों के माध्यम से, SHG के महिलाओं के माध्यम से, सफाई कर्मियों के माध्यम से हम इसको चलाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ सर्वेक्षण में भागलपुर शहर की रैंकिंग को इम्प्रूव करना है और साथ ही साथ आम लोगों में साफ सफाई, सूखा गीला कचरा के निपटान को लेकर के है। और इसमें हम लोग अपेक्षा करते हैं कि शहर के वासियों का हम लोग को सहयोग मिलेगा और सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षदगण हैं, वो इसमें बहुत अच्छा उन लोग का सहयोग मिला है। डिप्टी मेयर साहब भी आज यहाँ पर हम लोग के साथ थे। अच्छा रहेगा ये रैली, इसका रूट है यहाँ से जाएगी सैंडिस कंपाउंड, फिर उसके बाद तिलका मांझी चौक, लंबा इसका रूट है और कई अलग अलग रूट में भी रैली निकाली जाएगी और उसके बाद हम लोग ई रिक्शा और गाड़ियों पर फ्लैक्स और माइकिंग करा करके पूरे शहर में इसको निकालेंगे ताकि व्यापक रूप से जन जुड़ आम लोगों से है कि अपने घरों में कचरे को, सूखे कचरे को, गीले कचरे को पृथक करें, अलग अलग करें। और इसी को लेते हुए, इसी अभियान को लेते हुए हम लोग एक जन जागरूकता और जन आंदोलन का एक अभियान भी प्रारंभ करेंगे अगले सप्ताह से। इसको लेकर के हम लोग विस्तृत जो समीक्षा है और जो डिटेल्स है आपको हम लोग उपलब्ध करा दें। भागलपुर शहर को साफ सुथरा और रैंक इसका अच्छा है, इसके लिए प्रयास किया जा रहा और भागलपुर की जनता को ये जागरूक किया जा रहा कि आप कूड़े को जो गीला कचरा है या सूखा कचरा तो उसको अपना अलग कर करके ही इसको निष्पादन करें। इसमें भागलपुर के शहर की जनता से हमें उम्मीद है कि वो इस मुहिम को कामयाब करेंगे, साथ साथ हमारे पार्षद बद्दू है, नगर आयुक्त साहब और सारे कर्मचारी इसमें सहयोग करके भागलपुर को स्वच्छ साफ सुथरा रखें। पटना के रहने वाले आकाश कुमार सनातन धर्म का संदेश लेकर लोगों को अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। आकाश सुल्तानगंज से देवघर जा रहे हैं। रास्ते में जगह जगह रुककर लोगों को सनातन धर्म के महत्व के बारे में बताते हैं। इससे पहले आकाश पटना से अयोध्या साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। बाबा धाम जाने के बाद आकाश वहाँ से साइकिल से चारों धाम की यात्रा करेंगे। मकसद सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म के महत्व को घर घर तक पहुँचाए जाए। अपने धर्म के प्रति आकाश को समर्पित देख लोग इस कार्य की प्रशंसा करते हैं। बस इससे पहले भी हम अयोध्या गए थे, 9 तारीख को निकले थे और 20 तारीख को पहुंच गए थे अयोध्या में। जिस दिन निर्माण परिसर था ना वहाँ पे, उस तारीख उसी दिन पहुंचे थे। आज कहाँ से कहाँ जा रहे? अभी यहाँ सुल्तानगंज से देवघर जा रहे हैं, जो कि पटना से साइकिल से ही निकले थे। क्या उद्देश्य है इस तरह की यात्रा? बस हम अपना धर्म को आगे तक ले जा रहे हैं, सनातन को मजबूत कर रहे, धर्म को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं। दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या लक्ष्य? भोलेनाथ साथ है तो दिक्कत कौन सी बात? क्या लक्ष्य क्या रखे हैं? लक्ष्य क्या रखेंगे, बस सनातन धर्म को आगे तक ले जाना, बहुत मजबूत करना है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? पटना सिटी। घर पे क्या है? लकड़ी का दुकान है। कब तक यह यात्रा चलेगी आपकी? अब यात्रा 3 महीना की है। अभी यहाँ से देवघर से पूजा कर यहाँ से फिर हरिद्वार जाएंगे उत्तराखंड, जो कि गंगोत्री और केदारनाथ, अमरनाथ, ये सब दर्शन करके फिर लौटेंगे। इससे युवाओं में खास करके एक मैसेज जा रहा है कि अपने धर्म ऊपर है, संविधान ऊपर है, संविधान के बाद सिर्फ धर्म ही है, उसके बाद ही कुछ और है। लोग जागरूक होंगे इससे? बहुत जागरूक हो रहे हैं। कैसा कार्य है? सकारात्मक? अच्छा, अच्छा कार्य है। सनातन धर्म के नाम पे कार्य अच्छा ही होता है, सनातन के प्रति अच्छा कार्य हो रहा है।
भागलपुर के कच्ची कांवरिया पथ पर नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की स्वरूप वाला कांवर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 10 फीट ऊंची और 200 किलो के कांवर को 15 कांवरियों का जत्था लेकर देवघर के लिए रवाना हुए। वहीं जगह जगह सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सावन माह में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में भगवान शिव के भक्तों की भक्ति का नजारा देखने को मिलता है। भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई काफी कष्ट सहकर दंडवत करते हुए बाबा की नगरी पहुंचता है तो कोई सुंदर सुंदर कांवर लेकर बाबा के दरबार पहुंचता है। इसी कड़ी में कच्ची कांवरिया पथ पर तारापुर के हरपुर के पास एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां झारखंड के चायबासा के नीलकंठ समिति द्वारा 10 फीट ऊंचा नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर का बना भव्य कांवर मार्ग में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समिति के अध्यक्ष अमन साव बताते हैं कि 5 वर्षों से हम लोग लगातार अलग अलग प्रतिमा का कांवर बनाकर बाबा को जल अर्पित करते हैं। पिछले वर्ष रामेश्वरम मंदिर की प्रतिमा बनाकर देवघर आए थे, इस बार नेपाल की पशुपतिनाथ मंदिर की आकृति का कांवर बनाकर जा रहे हैं। इसको बनाने में 1 महीने का समय लगा है और इसको एंगल रोला बांस की चटाई थर्मोकोल आदि से बनाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कच्ची कांवरिया पथ में वृक्ष होने की वजह से उस ओर से कांवर नहीं ले जा सके, इसको 4 कांवरिया खींच के जा रहे हैं। हम लोगों का 15 कांवरियों का जत्था है। इस कांवर की ऊंचाई 10 फीट है और इसका वजन 200 किलो है। इसको बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगा है। इसके बाद हम लोग सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने बाबा धाम जा रहे हैं। ये है नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, उसका प्रारूप बना के हम लोग लेके जा रहे हैं ये सुल्तानगंज से देवघर। इसको बनाने में हम लोग को 30 दिन का समय लगा। ये बना है एंगल, फिर बाता रोला और बांस का चटाई, क्या उद्देश्य है इसको लेके जाने का? बस कांवर। क्या संदेश देना चाह रहे इसको लेके जा रहे, क्या मतलब संदेश क्या? बस एक वही सनातन संस्कृति। और कितने सालों से लेके जाते इस तरह के? ये 5वां साल है हमारा। किस तरह का लेके गए हैं ये बार? बीते साल हम लोग लेके आए थे रामेश्वरम, उसके पहले हम लोग मतलब रथ बना के लाए थे जिसमें गणेश भगवान सारथी थे, उससे पहले हम लोग शिव मंदिर लेके आए थे, उससे पहले हम लोग पालकी लेके आए थे। कैसा लगता है लेके जाने? बड़ा ही आनंद। कितने लोग लेके जाते हैं? हम लोग आए इस बार 15 लोग। भागलपुर में एक पंचायती के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक पक्ष के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों को आंशिक रूप से चोट लगी है। घटना के बाद दूसरा पक्ष घर छोड़कर फरार है। मामला जिले की सनहौला थाना क्षेत्र के सकरामा पंचायत का है, जहां पर एक मामूली विवाद सुलझाने को लेकर एक पंचायती बुलाई गई थी। इसी दौरान एक पक्ष से दूसरे पक्ष की कहासुनी हुई और दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। इस घटना में 2 महिला समेत 6 लोग जख्मी हैं। सभी का प्रारंभिक इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इधर घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने इलाके में छापेमारी की, लेकिन सभी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। घायल प्रदीप यादव ने बताया कि बीते दिनों जानवर दूसरे पक्ष के खोपड़ी में घुस गया था, कुछ सामान को खोपड़ी में रखे बर्बाद कर दिया था, जिसको लेकर बीते दिनों विवाद हुआ था। उसी को लेकर दोनों पक्षों में समझौता के लिए ग्रामीणों के द्वारा एक पंचायती बुलाई गई थी। पंचायती के दौरान दूसरे पक्ष लोग गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए। इसके बाद जयराम यादव, राजेश यादव, चंदन यादव, मंटू यादव, दिनेश यादव, रिया देवी समेत 10-12 की संख्या में लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। घायल ने बताया कि उन लोगों का मंसूबा मारपीट करने का ही था। सरपंच की मौजूदगी में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं घटना के बाद सभी घायलों को प्रारंभिक इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहौला में भर्ती कराया गया, जहां से 2 घायलों को मायागंज बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि मारपीट की सूचना मिली थी, हम लोगों ने छापेमारी की है, लेकिन सभी घर छोड़कर फरार है। अभी लिखित शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितना लोग था ये लोग मारने वाला? ये 10-12 लोग। 10-12 लोग, मतलब विवाद क्या चीज, विवाद क्या चीज का था? विवाद जो था उसी के लिए तो सब बैठा हुआ था वहाँ पे। अच्छा, क्या क्या चीज, क्या चीज के लिए विवाद, क्या चीज के लिए? बगल में साइड में जो है वहाँ पे उसका जो गया था उसका वो तोड़ दिया था, गिरा के वहाँ पे मार के उसका बाकी जो मारा था ना तो गिर गया था। उसी के दौरान पे सब लोग बैठे हुए थे तो वही रोड, रोड का था, रोड था यही, मतलब माल जाल गिरा दिया इसका,
इसी का मतलब विवाद था, इसी का अगर किसी टूट गया था उनका तो वही बैठाया हुआ था उन्होंने। अच्छा, इसी का मतलब घर का ही कुछ था। हाँ, तो वही वो लोग का प्लान कुछ और था, ये बैठाया कुछ और के लिए। कौन कौन था इसमें मारपीट करने में? मारपीट में आओगे सैराम यादव, राजेश यादव, चंदन यादव, मंटू यादव और दिनेश यादव हुआ। सभी था लोग। आपका नाम क्या हुआ? प्रदीप। उम्र कितना? उम्र 29 साल। 29 साल। पिताजी का नाम? रामविलास। घर? सतरामन। पंचायत कौन सा? पंचायत फाजलपुर। फाजलपुर सतरामन। वहाँ पे पंचायती हो रहा था, इसी में मारपीट हो शुरू हो। ग्रामीण पंचायती। अच्छा, कौन पंचायत? अगर उनका कुछ हुआ है तो। क्या नाम है बाबा आपका? रामविलास यादव। मतलब ये प्लान के तौर पे ऐसा किया गया ना? दारू पिया पुलाव के सब हमारे लाठी हो जाता था, गगन लग गया। पंचायत बैठे थे, समझाए रहते हैं, जो है सरपंच है तो हम लोग बोल देते हैं। अच्छा, इतने वो सब घर से जाकर पंचायत 10,000 पंचायत बैठता है, तरी मार कर चौधरी मार सको उधर कितने सब लोग सारी गिरी होते। यही बात, कितने सब लोग को यही बात। घर कहाँ तो या घर निकल गया? घर कहाँ हुआ बाबा? सकरामा। सकरामा घर हुआ। हाँ, मतलब इस पहले से टारगेट किया गया था मारपीट करना है। क्या नाम है बाबा आपका? रामविलास यादव। रामविलास यादव। आपको भी मारा है? मारा। क्या नाम है आपका? सुलेखना देवी। कहाँ घर कहाँ हुआ? सकरामा। सकरामा हुआ। कौन कौन मारा है? बहुत आदमी था, छोटू था, चंदन था, राजेश। कहाँ का है चंदन? सक्रमे का है। कौन है? सियाराम यादव। सियाराम यादव। चंदन कुमार को कौन हुआ? उसी का बेटा है। ये भी ज्यादा भैया है। सब आपको मारा? ओ अच्छा, मारा आपको। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।